और बस थोड़ा और पैसे, चलो 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 चलो, देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक स्मोक मार रही है, तो बहुत ज़्यादा काला कर दे रही है, देख रहे हैं जगह ही पूरी काली कर दी है, देखिए बस। तो देखिए ब्लैक स्मोक जो है बहुत ज़्यादा मारा इसने। तो भैया आप सभी को नमस्कार, आज हमारे पास हुंडई वर्ना है जो कि 2018 मॉडल है और इसमें जो इंजन है वो 1.6 लीटर मतलब कि 1600 सीसी का इंजन है, डीजल गाड़ी है। और इसमें जो दिक्कत आ रही है वो ब्लैक स्मोक की ज़्यादा है, बहुत ब्लैक स्मोक है, और प्लस इसका जो है मोबिल जो है बहुत ज़्यादा खा रहा है, इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा कम कर दे रही है, सर्विस पे तो चल ही नहीं रही है, सर्विस जैसे होके जाती है और दूसरी सर्विस आने तक मोबिल सब सफ़ा हो जाता है। तो इसमें अब क्या रीज़न है और क्या चीज़ ख़राब हो सकता है और क्या ख़राब है, इसी के बारे में हम आज इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है मोबिल चेक करते हैं, इसमें कितना है और स्टार्टिंग क्या है और ब्लैक स्मोक कितना मार रहा है, तो इसी सब को चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल जो कि हम चेक कर लेते हैं कितना है, और इंजन ऑयल अभी इसका जो है टॉप अप किया था तकरीबन 2-4 दिन हो गया, क्योंकि ख़त्म हो गया था इसमें, और देख सकते हैं इंजन ऑयल की कंडीशन, ये देखिए बहुत काला हो गया है। और कूलेंट भी देख लेते हैं इसमें, कूलेंट तो ठीक है। स्टार्ट करो ज़रा, देखिए अभी गाड़ी तो जो है थोड़ा हल्का हल्का मिसिंग भी किया था, और देखिए मिसिंग कर रही है अभी थोड़ा, तो अभी गाड़ी जो कि स्टार्ट भी हुई और हल्का हल्का मिसिंग भी किया शुरुआत में। अब इसका जो है जो ब्लैक स्मोक है उसको पहले देखते हैं कितना है ब्लैक स्मोक। तो सबसे पहले नंबर इसको देखते हैं कितनी गाड़ी भी चली हुई है, गाड़ी का मीटर दिखाइए कितनी चली हुई है, दिखाओ ज़रा। तो अभी गाड़ी देख सकते हैं 1,45,000 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी जो कि गाड़ी देख सकते हैं यहाँ पर ठंडी है पूरी, जो कि टेम्परेचर में नहीं आई हुई है। अब इसका जो है ब्लैक स्मोक जो है उसको भी चेक, दो जरा एक्सीलेटर और बस थोड़ा और पैसे, चलो 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 चलो, देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक स्मोक मार रही है, तो बहुत ज़्यादा काला कर दे रही है, देख रहे हैं जगह ही पूरी काली कर दी है, देखिए बस। तो देखिए ब्लैक स्मोक जो है बहुत ज़्यादा मारा इसने, और अब इसका ज़रा देख लेते हैं बैक कंप्रेसर है कि नहीं इसमें, क्योंकि मोबिल तो खा ही रही है गाड़ी। एसी बंद करो, तो अभी इसका जो बैक कंप्रेसर है वैसे तो कैमरे में नहीं आ रहा, पर हल्का हल्का जो कि बैक कंप्रेसर है तकरीबन 20-25%, और ब्लैक स्मोक भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा था। अब इसको चेक क्या किया जाए कि ये दिक्कत दूर हो जाए, तो सबसे पहले ये जो दिक्कत आ रही है सबसे पहले हम इसका टर्बो चेक करेंगे,
अगर टर्बो सही होगा तो इंजेक्टर चेक करेंगे, इंजेक्टर अगर सही होगा तो अगर मोबिल खा रही है गाड़ी आपकी, मोबिल अगर खा रही है तो टर्बो गड़बड़ होगा। अब अगर आपका टर्बो सही होगा तो समझ जाइए इसकी रिंग डाउन है, तो अगर रिंग डाउन होगी तो इसका जो है इंजन खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका टर्बो चेक करेंगे, और जो भैया कहते हैं कि गाड़ी में और कोई दिक्कत होती है ब्लैक स्मोक और मोबिल खाने से, तो प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है। तो हमारे हिसाब से ये दो चीज़ों में से एक चीज़ गड़बड़ है, चाहे टर्बो चाहे रिंग हो, तो दोनों में से एक चीज़ गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम टर्बो चेक करेंगे फिर रिंग को। तो अभी जो ये इंटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है, ये जो पाइप लगी होती है इसको भी चेक करना पड़ता है कहीं से फटी ना हो, और जो टर्बो के नीचे से पाइप निकली होती है यहाँ के लगी होती है इंटरकूलर के रास्ते, इसको भी चेक करना पड़ता है कि कहीं से फटी तो हुई नहीं है। और टर्बो भी हमने चेक कर लिया, सही है टर्बो, देख सकते हैं टर्बो की पंखुड़ी उंखड़ी सब सही है, और देख सकते हैं टर्बो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है, जो कि इसमें चाल कोई नहीं है ज़्यादा। और तो अभी जो कि इसका जो इंटरकूलर वाला पाइप है ये भी ठीक है, बहुत ज़्यादा मोबिल नहीं आया हुआ इसमें। और तो अभी हमने इसका जो पाइप है खोल के देख लिया है इंटेक मैनिफोल्ड वाला, और इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है और फटी भी नहीं हुई है, और जो मोबिल खा रही है इसका मतलब इसका रिंग ज़रूर डाउन है, इसीलिए हमको जो है पूरा इंजन उतारना पड़ेगा। इंजन उतार के जो भी दिक्कत है फिर इसको बताते हैं रिंग कटी है कि टर्बो गया हुआ है क्या है, बाकी खुलने के बाद ही पता चलेगा। और जो कि इंजन अभी देखिए टाइमिंग प्लेट वगैरह तो खुल चुकी है एक बार, ये देख सकते हैं एना बाउंड लगी हुई है, टाइमिंग प्लेट तो एक बार खुली हुई है। और तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो इसका इंजन ऑयल खा रही है गाड़ी इसी का काम करना है, और जो ब्लैक स्मोक है हो सकता है इसी की वजह से हो। तो सबसे पहले हम इंजन बाहर निकालते हैं और इंजन खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है, और भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस गाड़ी में क्या दिक्कत हो सकती है आपके हिसाब से। तो भैया अभी जो कि गाड़ी में से इंजन हमने बाहर निकाल दिया है, और इंजन बाहर निकाल के हमने इसका हेड और चैम्बर और गियर बक्सा सब कुछ खोल दिया है, अब बचा है इसमें पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक बची हुई है। तो अब जो दिक्कत है हमारी यहीं से शुरू होती है, पिस्टन से और कनेक्टिंग रॉड से और रिंग से, यहीं से ही दिक्कत शुरुआत होती है इसकी। इसमें क्या कहानी है उसको ज़रा देखते हैं, क्या दिक्कत थी गाड़ी में और क्या हो रहा है। भाई इसमें जो दिक्कत है बहुत, यानी कि इतना सोच भी नहीं सकते ये दिक्कत हो सकती है, इस तरीके की गाड़ी जो है इस जगह से ऐसी दिक्कत करेगी जो दिक्कत इसमें आ रही है। अब इसमें क्या हुआ है भाई इसको ज़रा चेक करते हैं। अभी देखिए ये जो पिस्टन है एक नंबर, ये देखिए पूरा टॉपिंग पे है, सबसे ऊपर है, और यहीं चार नंबर का देखिए यहाँ डाउन है, देखिए कितना डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। ये देखिए ये पूरा टॉपिंग पर है और ये डाउन है। इस गाड़ी में भैया क्या हुआ है, ये गाड़ी हमें लग रहा है पानी में चली ज़रूर है, इसका जो है कनेक्टिंग टेढ़ा हो गया है। और भी देखते हैं, और चार नंबर का टेढ़ा है, और देखिए तीन नंबर भी है, बहुत हल्का से है, मामूली सा पटरी। अब भाई इसको ज़रा देखते हैं ये कितना टेढ़ा है। अभी देखिए यहाँ पर हमने लगाया, यहाँ पर पूरा ये चिपक गया है, पूरा बैठ गया है, ये देखिए पूरा बैठ गया है, और इस जगह पर देखिए थोड़ा थोड़ा सांस है,
थोड़ा जूम करो, ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सांस है और इस जगह पर भी है। अब ये चार नंबर का जरा देखते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा, तो अभी ये चार नंबर का देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेढ़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। ये देखिए पेचकस भी घुस जा रहा है अंदर, ये देखिए। तो भाई तीन नंबर का और चार नंबर का कनेक्टिंग रॉड भी ख़राब है बस। तो अभी इस गाड़ी में जो दिक्कत हमने आपको पहले भी बताया, जो जो कि गाड़ी में जो दिक्कत थी वो ब्लैक स्मोक और मोबिल भी खा रही है, ये दो दिक्कतें थी। अब ये दिक्कत देखिए, पिस्टन जो कनेक्टिंग रॉड जो टेढ़ी हुई है ये भी दिक्कत कर सकती है गाड़ी में। तो अब इसका जो है हमें अब ये पिस्टन निकालना पड़ेगा। पिस्टन निकाल के इसका रिंग देखते हैं क्या कंडीशन में है, और उसके बाद में इसमें जो है स्लिप लगी है। एक बार इसका इंजन खुल चुका है और स्लिप बोर होके नई लग चुकी है। अब इसमें कौन सा सामान डला है कुछ पता नहीं लग रहा है, क्योंकि अब खोलने के बाद ही पता चलेगा कौन सा सामान इसमें डला हुआ है। और साथ ही साथ हमको इसका जो दो कनेक्टिंग रॉड है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में दिक्कत इससे बहुत ज़्यादा करती थी। अभी देखिए जब स्टार्ट किए थे तो थोड़ा हल्का हल्का वाइब्रेशन टाइप में हो रहा था, मिसिंग कर रही थी, ऐसे लग रहा है कोई सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा है। तो क्या होता है ये शुरुआत में काम नहीं करता है। तो अब इसको जो है पिस्टन हम सारा निकाल के बाहर फिर चेक करते हैं इसकी रिंग उंग कैसी है ना। तो अभी भैया इसका जो है चार नंबर का जो है पिस्टन हमने निकाला, और इसमें निकालने पर देखिए क्या हाल हुआ है भाई रिंग का। तो देखिए ये जो टॉप रिंग है ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घिस गई है, और पतली रिंग हो गई है एकदम, बिल्कुल ले ख़त्म है ये रिंग देखिए। एक मिनट, ये रिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पतली हो गई है और घिस भी गई है देखिए। ये वाली भी रिंग देखिए, ये देखिए, ये था भाई इसमें तो रिंग ही टूटी है देखो। देख सकते हैं इसमें रिंग जो है इसमें भैया जो चार नंबर का पिस्टन है इसमें की रिंग टूटी हुई है, देख सकते हैं किस तरीके से। और ये था भाई टूटा हुआ रिंग, ये देख सकते हैं एकदम पतला रिंग हो गया है, एकदम मान के चलिए कागज बन गया है। ये देखिए दोनों हिस्सा जो है टूट के यहीं पर पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये था भैया चार नंबर का जो पिस्टन का रिंग था ये टूट गया था, इसीलिए यहाँ से मोबिल ये हल्का हल्का उठा रही थी गाड़ी, और ब्लैक स्मोक भी जो मार रहा है यहीं से दिक्कत है, सब कहानी यहीं से गड़बड़ हुई है भैया चार नंबर पिस्टन से ही। ये रिंग टूटा और कनेक्टिंग टेढ़ी है, ये था भैया एक नंबर रिंग पिस्टन जो है इसका पिस्टन और रिंग तो सही है इसका भी, कुछ ज़्यादा खास नहीं घिसी है, और यहाँ लाइनिंग भी बहुत ज़्यादा आ गई है इस जगह पर।
बाकी रिंगें किसी की नहीं टूटी हुई हैं, जो है इसका सिर्फ 4 नंबर का ही रिंग टूटा हुआ था, बाकी रिंग किसी पिस्टन की नहीं टूटी हुई है, है ना। और ये 3 नंबर है, और 3 नंबर का भी कनेक्टिंग चेंज करना पड़ेगा। तो भैया अभी गाड़ी जो कि कंप्लीट हो चुकी है पूरी, और जो कि इसमें क्या कमी थी हमने आपको बताया था, इसकी 2 कनेक्टिंग रॉड टेढ़ी थी और रिंग टूटा हुआ था, और मोबिल बहुत ज़्यादा खा रही थी और ब्लैक स्मोक बहुत ज़्यादा दबा के मार रही थी। तो यही सब था, और जो सामान गड़बड़ था इसमें सिर्फ कनेक्टिंग रॉड और रिंग टूटी हुई थी। तो इसमें काम इतना ही हुआ, स्लिप पड़ी है, पिस्टन रिंग, वाल सील, यही सब हुआ है बस, और इसके अलावा कोई काम हुआ नहीं है गाड़ी में। तो सबसे पहले इसका मोबिल जो है देख सकते हैं, गाड़ी अभी चला चुके हैं हम, और फिर भी मोबिल देखिए इतना सफ़ा है क्योंकि अंदर से सफाई उफाई अच्छी तरीके से किए हैं, और इंजन ऑयल भी पूरा है, देखिए पूरा नया इंजन ऑयल दिख रहा है। और इसमें अभी कूलेंट हमने डाला नहीं है, तो इसमें ये पानी इसका निकाल के कूलेंट अभी डालेंगे, गाड़ी चला वला के पूरा अच्छे तरीके से। और ज़रा गाड़ी स्टार्ट करो, तो देखिए स्टार्टिंग भी अच्छी है, और जो इसकी मिसिंग भी करती थी गाड़ी, थोड़ा थोड़ा ऐसे धड़ धड़ मारती थी, वो अब ख़त्म हो गया है। और इसका बैक कंप्रेसर भी ज़रा चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं बैक कंप्रेसर भी नहीं है, 1% भी बैक कंप्रेसर नहीं है इसमें, जो कि इसमें हल्का हल्का था और कैमरे में तो आ ही नहीं रहा था पहले भी। चलो ज़रा एक्सीलेटर दो और दियो और बस और दियो एकदम, और दियो बस। तो अभी देखिए इसमें 1% भी ब्लैक स्मोक नहीं है, और जो दिक्कत थी वो उसी से थी, और जो कि इंजन भी स्टार्ट है, देखिए इंजन में कोई हंटिंग वगैरह है नहीं, गाड़ी बढ़िया फर्स्ट क्लास है। बाकी चला वला के अभी चेक कर लेंगे, कोई कमी और तो नहीं है इसमें। तो इसका जो हमने बोला था कि टर्बो भी चेक करेंगे, टर्बो इसका बिल्कुल ओके है, देख सकते हैं पुराना ही टर्बो लगा है, इसमें टर्बो हमने चेंज नहीं किया है, और टर्बो जो कि पुराना ही है इसका, हमने टर्बो कोई चेंजिंग नहीं किया टर्बो में। और हम हर एक वीडियो में इसीलिए कहते हैं भैया कोई भी काम करिए, कोई सामान डालिए या कोई भी दिक्कत है गाड़ी में, तो उसको पहले चेक करिए फिर करिए, और जो भी सामान डालते हैं उसको जेन्युइन पार्ट ही डालें, और सफाई जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलेगी। तो इस गाड़ी में क्या क्या पड़ा है हम आपको बता सकते हैं, इसमें चारों पिस्टन लगे हैं, और रिंग सेट लगा है, स्लीप लगी है, और इसके हेड के काम हुए हैं, तब जाके ये गाड़ी ठीक हुई है। और 2 कनेक्टिंग रॉड टेढ़ी थी उसको हमने चेंज किया है, और इसका टर्बो भी वही है, सब कुछ वही है, बस इतना आइटम इसका चेंज किए हैं हम। और गाड़ी 1 नंबर है अब, कोई ब्लैक स्मोक नहीं है और कुछ नहीं है। और इसका हमें एक इंजेक्टर भी चेंज करना पड़ गया, क्योंकि ये इंजेक्टर आवाज़ कर रहा था ज़्यादा, इंजेक्टर पकड़ ले रहा था, तो इसलिए हमको इसका एक इंजेक्टर भी बदलना पड़ गया। भैया अभी हम थोड़ा गाड़ी चला के देख लिए हैं, और
ये देख सकते हैं ओडोमीटर कितना दिखा रहा है, 1,45,098 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि पहले कुछ कम दिखा रहा था। तो गाड़ी चला वाला के बढ़िया अच्छे तरीके से देख लिए, कोई ब्लैक स्मोक कोई कोई दिक्कत है और है नहीं। और अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो गाड़ी कुछ इसी तरीके से ज़रूर चेक करें, क्योंकि फॉल्ट कहीं से भी हो सकता है और दिक्कत ज़्यादा हो सकती है और परेशान भी ज़्यादा हो सकते हैं आप भाई, अगर सही तरीके से आपने गाड़ी को नहीं चेक किया तो। गाड़ी मेंटेन करने का समझ से यही होना चाहिए कि गाड़ी को सही तरीके से चेक करें और सही काम करें। तो भैया अगर कोई भी ऐसा कोई काम आता है या ऐसी कोई दिक्कत आती है तो इस तरीके से जो है एक बार गाड़ी ज़रूर चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।